हेलो गाइस, मेरा नाम है सिंह और आप देख रहे हैं डीटी फॉर यू। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो ए टू जेड कोर्स के बारे में। ये एक एंड्रॉयड स्टूडियो का कोर्स है जो कि पूरा का पूरा हिंदी में है, और इस कोर्स को आप लेने के वास्ते जब इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक डायनेमिक एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन डाटाबेस से कनेक्ट करके। इस कोर्स में मैंने बहुत सारे मेथड बताए हैं, तो मैं कुछ मेथड को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हाईलाइट किया गया है। हाउ टू कनेक्ट एंड्रॉयड ऐप टू डाटाबेस, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करें, ऑनलाइन MySQL डाटाबेस वाया PHP या फिर गूगल स्क्रिप्ट को गूगल सीट से। उसके बाद से हाउ टू सेंड और रिसीव मतलब डाटा, जो डाटा होता है उसे कैसे कनेक्ट कर लिया, उसके बाद से सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। उसके बाद उसका ये मतलब यूज़र इंटरफेस का जो डिज़ाइन होता है कैसे करेंगे, लेआउट से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और सबसे मेन टॉपिक ये है गाइस, इसमें आप एप्लीकेशन के साइज़ को कैसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि कोई भी क्लाइंट होता है तो उसको बोलता है कि हम एप्लीकेशन साइज कम से कम हो, तो आप कैसे रिड्यूस करेंगे। और मान लीजिए किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट फाइल डिलीवर करेंगे तो आप लोगों को पता होगा एंड्रॉयड का जो हम लोग बनाते हैं बहुत ज़्यादा MB का, 60 MB, 70 MB, 100 something MB तक पहुँच जाता है, तो उतना फाइल हम देखे क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं बताने वाला हूँ कि इसमें आप लोगों का 10 से 15 MB में पूरा एंड्रॉयड का फाइल आ जाएगा, जो प्रोजेक्ट फाइल होता है आप उसे शेयर कर सकते हैं। और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड मैंने बताया हुआ है। तो गाइस आप इस कोर्स को ओनली 399 में ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं जिस एप्लीकेशन का भी बताने वाला हूँ रिव्यू, वो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, उसके वास्ते इस कोर्स को ले सकते हैं, ताकि आप यदि उससे बेहतरीन भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने वैसे ही बताया हुआ है, मतलब इस टाइप का एप्लीकेशन, डायनेमिक एप्लीकेशन जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका है। तो गाइस देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू कैन एबल टू क्रिएट ए डायनेमिक ऐप विथ ऑनलाइन डाटाबेस। आप ऑनलाइन डाटाबेस से कनेक्ट करके अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं, और ये गाइस बहुत ही लो प्राइस का कोर्स है, ओनली 399, तो आप वेबसाइट से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूँ और दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन मैंने कैसे बनाया हुआ है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा TMS, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा TMS, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं इसको लॉगआउट कर लेता हूँ, देन मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करते हैं, लॉगआउट हो गया। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको ईमेल और पासवर्ड मांगेगा लॉग इन करने के लिए। तो यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने, देखिए एक ट्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप अपने सेंटर का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, अकाउंट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, देन आप लॉगिन पे करेंगे। ठीक है, मल्टीपल मतलब एक एप्लीकेशन में कई सारे सेंटर्स लॉगिन करके अपना अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं, ये नहीं किसी स्पेशल सेंटर का जो इसका होगा, वो मल्टीपल सेंटर्स एक साथ एक एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं और उनका डाटा सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा। प्लस पॉइंट इसका ये है, यानी कि मल्टी लेवल होता है ना, मल्टी लेवल समझ लीजिए। तो मैं अपना ID पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ गाइस। ये वाली टेस्ट ID पासवर्ड है, देखिए यहाँ पे मैंने उसके बाद से कुछ, यहाँ पे आप देखिए बैच शो कर रहे हैं, तो जो सेंटर लॉगिन करेगा सिर्फ उन्हीं के द्वारा क्रिएट किए हुए बैच यहाँ पे शो करेंगे। यदि मान लीजिए डिफरेंट सेंटर से करेंगे तो डिफरेंट से उनका बैच क्रिएट कैसे, यदि आप अपना अपने सेंटर का बैच यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके आप बैच क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितना गजब का लुक दे रहा है, यहाँ पर बैच का नाम डालिए, टाइमिंग डालिए, क्रिएट बैच पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से देखिए मैंने देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट बैच में कितने बच्चे हैं और किनका फी मतलब कैसे, उस पर क्लिक करेंगे तो नया ओपन होगा और डाटा ऑनलाइन आएगा, क्योंकि सब कुछ स्टोर ऑनलाइन है गाइस। आप लोग प्ले स्टोर में देखेगा इसका मतलब साइज़ कितना ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ID आ गया, वो ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पर आपको देखिए पहले दिखा देता हूँ, मतलब आपको स्टूडेंट प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के उसके बाद से ऐड स्टूडेंट पर क्लिक, तो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा और उसके साथ ही उसके 12 मंथ की फ़ीस का ये पॉपअप आ जाएगा देखिए यहाँ पे, और उसका ईमेल ID यहाँ पे पूरा आ जाएगा जिस मंथ के, जिस मान लीजिए हमको मार्च का फ़ी यदि यहाँ पे बाकी है, जिसका फ़ी पे होगा वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा उसमें का कैरेक्टर, उस मंथ का जो टेक्स्ट होता है और थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा, और जिसका देखिए फ़ी जमा नहीं उसका छोटा होगा। देखिए आप वो स्क्रीन देख सकते हैं कितना अच्छा इंटरफेस है। देखिए मैं जैसे मार्च का फ़ी जमा करता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्लीज़ वेट सक्सेसफुली फी अपडेटेड पे आ गया। उसके बाद से क्लिक करके फिर से बैक करके एक बार आएंगे तो वहाँ पे इफेक्ट ले लिया होगा, वैसे तो मैसेज वहाँ पे आ जा रहा है। अभी इस एप्लीकेशन में बहुत सारे बग हैं, बट आप खुद बना सकते हैं इस टाइप पर, इससे बेहतरीन है। देखिए यहाँ पे मार्च का भी फी पेड हो गया है। तो गाइस ये है एप्लीकेशन, आप
उस कोर्स को लेने के बाद से इस टाइप्स का मतलब डायनेमिक ऐप बना सकते हैं। उसके बाद से तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लॉजिक समझ जाएंगे तो कैसा भी एप्लीकेशन बना सकते हो। गाइस आपको मेरे हिसाब से ज़रूर लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए रजिस्टर कीजिए अकाउंट। तो इसमें आपको बता देता हूँ मतलब परचेज कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो देखिए मैं पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो कैसे देखिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं वेबसाइट का डालता हूँ नाम, ये मेरी वेबसाइट है, मैं ये क्योंकि ये मेरे द्वारा ही बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे DD4U.in, उसके बाद से /कोर्स पे जाएंगे। तो गाइस इसमें आपको परचेज करने के लिए अभी इस साइट में, क्योंकि ओनली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, मेन बात है कि अभी जस्ट ही कंप्लीट वेबसाइट बनी नहीं है, ओनली कोर्स का ही अभी तक बना है कोर्स पेज, तो इसलिए थोड़ा इसमें बग है। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद से अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करेंगे, देन कोर्स पे क्लिक करेंगे। तो आपको जितने भी कोर्स यहाँ पे होंगे, अभी तो एक ही कोर्स फाइनली लॉन्च किया गया है, जितने भी कोर्स आएंगे वहाँ पे आपको ये इस एक इमेज दिख जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिख जाएगा कोर्स का। उसके बाद से ये देखिए कैटेगरी एंड्रॉइड स्टूडियो कैटेगरी, उसके बाद प्राइस, और यहाँ पे इनरोल पे जब लॉगिन होंगे तो आप इनरोल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट पेज पे चला जाएगा। उसके बाद पेमेंट सक्सेस होती है आपका कोर्स डाउनलोड लिंक मिल जाए आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करते हुए कोर्स डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, और आप पेमेंट यहाँ पे किसी से भी कर सकते हैं, पेटीएम नंबर से या फिर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जहाँ से चाहें वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बैलेंस है नहीं इसका, बहुत ही कम बैलेंस है, इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इसका इतना प्राइस लो रखा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।